in nutshell, एक ही आवर्तन या दो आवर्तन के तोड़ों में वो पूरी स्टोरी आ जाए, उसको सार बना देते हैं। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे तो सब गोपियां उनके डेरा में व्याकुल थी और इधर उधर उन्हें ढूंढती थी, लेकिन इसका कारण यह था कि अचानक ही उनकी चूड़ियां करक जाती थी और वो सोचती थी कि कृष्ण नहीं है तो किसने ये किया। तो इसका बहुत छोटा सा ये है। और फिर वो दिन रात रटत राधा, दिन रात रटत राधा नट नगर को सकल की जन उसके जो श्वासोच्छ्वास में कृष्ण का नाम चल रहा है वो इस केले के द्वारा बताया गया है।
एक छोटी सी भाव की बंदिश पेश करूंगी। ये कविता है जिसमें एक उपपति का वर्णन किया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन मत गाजमनी सॉरी करेक्शन मत गार गज गामनी सी मत गज गामनी सी। दिस कवित डिपिक्स एन उपपति, अ फिकल माइंडेड यंग मैन ऑफ आमरस डिस्पोजिशन। हियर द नायक इज एनैमर्ड बाय द पासिंग नायिका एंड इज डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ द बीविचिंग एनकाउंटर टू हिज फ्रेंड। He feels struck by a thunderbolt when he sees the Nayika walking like an intoxicated elephantess. The Nayika is completely oblivious to the devastation that she has inflicted on the Nayak, and therefore he calls her Kasayan, butcher who has no mercy. The composition is by poet Rasik Bihari and is set to Rag Shankara and Tal Trital. This kavit contains several metaphors and similes. Thank you.
चली गई